तहसील जयसिंहपुर के गांव टंबर में रिहायशी क्षेत्र में लग रहे एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज नाराज ग्रामीणों ने कंपनी, सरकार व प्रशासन पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। आज इस समस्या के समाधान के लिए जेटीओ धर्मशाला का आना तय था। ग्रामीण पंचायत घर टंबर में इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जेटीओ साहिब के न आने का पता चलते ही ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने चक्का जाम करने की चेतावनी दे डाली। पेश है टीम पीआर न्यूज की रिपोर्ट। धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ, थानेदार साहब बुलाए। हम भी इंसान हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसान हैं। एकदम पुलिस लम्बे गांव से ठगदी करे, एकदम महाजुजली अखड़ी कैद करना गलत बात है। अभी मारी नहीं सुन रहे हैं वो, इसलिए हम रोड कल बंद कर देंगे और ये टावर नहीं लगना चाहिए। सभी जनता का विरोध है, सभी का विरोध है, ये टावर नहीं लगना चाहिए। महिला मंडल का विरोध है, मोबाइल टावर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब प्रधान साहब ने ये एनओसी रद्द कर दिया तो काम कैसे लगा उसे? इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मोबाइल टावर जो है, मोबाइल टावर यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इन लोगों ने जो कि इनके मन में ये बात है कि यहाँ पे मोबाइल टावर से जो है भयंकर बीमारियाँ फैलती हैं, जो घर के साथ हैं वहाँ पे टीवी, कैंसर इत्यादि बहुत सी बीमारियाँ ये होते हैं, ठीक है कि नहीं। इसलिए जो है इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के बाद मैंने इनको एक महीना पहले 19 तारीख एक महीना पहले जो है यहाँ पे पुलिस भी आई थी और बाकी जनता भी थी, विरोध किया था इन्होंने। तब जेसीबी वापस चली गई थी, दूसरी बार फिर विरोध किया, फिर जेसीबी आई, फिर पुलिस आई, दूसरी बार पुलिस आई। पुलिस के सामने मैंने एक कहा था कि जेटीओ धर्मशाला को बुला लो, और पुलिस ने भी ये कहा था कि हमें बुला लो, और जेटीओ धर्मशाला आएंगे तो पुलिस ने कहा कि हम भी आएंगे और इसके बारे में जो है सब कुछ बताएंगे। अच्छा, हम चाहते थे कि इन लोगों को जो है इसके बारे में जेटीओ आते और पब्लिक को समझाते कि इसमें जो है कोई, इसमें कोई क्या नुकसान होने वाले हैं और क्या नुकसान नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो आज दिन तक जो है वो जेटीओ इन लोगों को कन्वेंस नहीं करा सका, समझा नहीं सका। आज का टाइम दिया था ना उन्होंने, आज का टाइम, आज डेट है, आज का टाइम इन्होंने दिया है आने के लिए दिया था। आज मैंने SHO महोदय से भी बात की थी कि आप भी समय निकाल के यहाँ पे आना, और जेटीओ साहब धर्मशाला से उनको बुलाया था, उन्होंने भी कहा था कि मैं आऊँगा, तो वो आज नहीं आए। मैं चाहता था कि ये मसला जो है आज यहीं पे जो है वो सबके सामने जो है वो डिस्कस किया जाए, और इस जो जनता के बीच में आक्रोश है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि वो इलाके में, पंचायत में अमन चैन रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जेटीओ जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, वो सीना जोरी करना चाहते हैं, और सीना जोरी जो है वो पब्लिक आज मेरे पंचायत घर में खड़ी है, और मेरे पंचायत घर में सुबह से यहाँ पे मेरे आने से खोलने से पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज मेरे लिए भी, मेरे काम में भी मतलब रुकावटें आती है, हमने भी पब्लिक के काम करने हैं, तो इसका मतलब है कि जेटीओ अगर क्यों ना इनकी समस्या का समाधान करे। अगर इस टावर लगाने से अगर कोई विकार नहीं है, कोई कमियाँ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पब्लिक को तकलीफ नहीं है, तो वो आकर जनता को क्यों नहीं बताते जी? मैं चाहता था कि वो आते और पब्लिक को बताते कि आपके इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक है कि जिससे कोई बीमारियाँ नहीं होती है, कि हमने उसका सुधार किया है, लेकिन वो आज तक जनता के बीच में नहीं आए, और 2 महीने से मतलब जनता के बीच में नहीं आए, ना जनता को समझा सके जिसके बारे में जनता का आक्रोश है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार को भी इस बारे में जो है सभी विभाग है जो है जनता को आए यहाँ पे आए और पब्लिक का जो है रोष दूर करें, पब्लिक को समझाएं। अगर पब्लिक के बीच में वो जिम्मेवारी लें अपनी, जेटीओ जो है वो जो टावर लगा रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारी लें, यदि इसमें कोई बात है, कोई बीमारी होती है लोगों को, कोई ऐसा कोई चीज़ होती है, तो उसकी जिम्मेवारी लें कि मैं जो है अगर मेरे टावर से अगर किसी को कोई
तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तो उनके जिम्मेवार हम हैं, या उसके बारे में लिखित रूप में पब्लिक को दें ताकि ये उनका काम भी चले और पब्लिक को भी संतुष्टि हो। लेकिन वो आज तक पब्लिक को समझाने में असमर्थ रहे, इससे पब्लिक में रोष है और पब्लिक का रोष जो है शीघ्र जो है वो दूर होना चाहिए। मैंने आज फिर कह रहा हूँ, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे आज का समय देकर यहाँ पे, मैंने पिछले कल 28 तारीख को ही मैंने एसएचओ साहब से बात की थी, उनको भी बताया था मैंने कि सर आप आइए और जेटीओ धर्मशाला भी आएगा तो हम इस मसले को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एसएचओ साहब ने मुझे कहा कि जैसे वो जेटीओ आएगा मुझे फ़ोन करना आपने, मैं यहाँ पे किसी भी जगह हूँगा मैं आ जाऊँगा और इस मसले को समाधान करेंगे। लेकिन जेटीओ नहीं आया, इस करके मैंने एसएचओ साहब को भी मना किया कि सर आपको क्यों डिस्टर्ब करना, कि अगर जेटीओ नहीं आया तो आप आगे क्या करेंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, मैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से, दूरसंचार मंत्री से, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे काम करने से पहले जनता के बीच में जनता को कन्वेंस करें, जनता को समझाएं और जनता के बीच में जो वहम है, भ्रम है, उन भ्रमों को दूर करें ताकि जो है इलाके के काम सही रूप से हो और जनता का क्रोश भी ना हो, लोगों के काम भी हो। अच्छा, करने से पहले एनओसी तो पंचायत प्रधान से लेनी पड़ती, तो आपने एनओसी दी तभी काम लगाया, तो इसके बारे में बताइए। एनओसी मैंने दी थी, एनओसी मेरे से यह क्या कर ली थी कि मैं उनका पोलियो से वहाँ पे हम लगाएंगे, अगर उनके गांव में पहले भी लगा तो दूसरा को उसको वहाँ पे पोलियो स्कीम मैंने उनको एनओसी दी थी। वो भी एनओसी रात को मेरे पास आए थे कि कल जो है कि आपकी एनओसी के बगैर कोई विभाग यहाँ पे वो कंपनी वाले नहीं आएंगे, नहीं चेक कर सकते, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था। लेकिन मैंने उनको एनओसी दी, एनओसी देने के बाद जो है उन्होंने काम जो है वो वहाँ से दूसरी जगह लगा दिया। दूसरी जगह लगाने पर मैंने उनको पूछा, कहते कि यहाँ पे काम क्यों लगाया आपने, आपने तो एनओसी मुझे पोलियो उसकी दी थी, मैंने पोलियो उसकी दी थी। उन्होंने कहा जी ये काम जो है यहाँ पर हमें कहीं रेंज नहीं मिली और इसलिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ा। मैंने एनओसी को जो है निरस्त किया और निरस्त कर दिया मैंने, क्योंकि जो एनओसी मैंने जिस जगह की दी थी उस जगह का काम नहीं लगा तो मैं, और वहाँ पे जनता का विरोध था, गांव के बीच में चले गए, इसलिए मैं एनओसी भी निरस्त कर दी थी और उसके बारे में उनको सूचित भी किया। वो पिछले कल भी मेरे पास आए थे, हरवंश लाल जी, हरवंश सिंह मेरे पास आए थे एक एप्लीकेशन देने के लिए कि यहाँ पर लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं गया तो पत्थर नहीं, मैंने उनको भी बोला था, कल भी मैंने उनको बताया कि आपकी एनओसी जो है वो मैंने निरस्त कर दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत की एनओसी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अच्छा, और इसमें कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को एनओसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने 19/9/2018 को मैंने जो इनके दो कर्मचारी थे जब वो काम कर रहे थे उन लोगों का जब मैंने निरस्त की थी तो मैंने उनको बुलाया और बिठाया, उनको बताया कि आप काम नहीं करेंगे जब तक जो है जेटीओ धर्मशाला नहीं आता, काम नहीं करेंगे आप। उन्होंने एक महीना काम बंद रखा। अच्छा, 19/9 से बाद 19/10 तक जो है उन्होंने अपना काम बंद रखा, लेकिन एक हफ्ते के बीच में उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया, रात दिन कर दिया बराबर उन्होंने। ठीक है कि नहीं, रात दिन उन्होंने काम कर दिया। ठीक, इसका मतलब है कि इनका जो है वो किसी भी चीज़ को जो है ना तो कोई सुनाई कर रहा है ना कोई बात कर रहा है। जनता की सुनाई नहीं होने वाली है, जनता की सुनाई नहीं होगी, ना सरकार चाहती है कि जनता की सुनाई हो, ना कोई प्रशासन हल करना चाहता है कि जनता की सुनाई हो। उनका कहना है कि अपनी जगह में लगा रहे हैं, को तुम नहीं रोक सकते हो। मतलब गांव की जो पंचायत बनी है लोगों के मसले सुलझाने के लिए, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है, सुनी जा रही है ना। वो कहते हैं कि जो प्रधान जी जो अपनी जमीन में काम कर रहे हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, कौन रोक सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है जहाँ पे जनता चाहती है कि जनता को तकलीफ है, जनता जो है उसका समाधान चाहती है, तो समाधान जनता का किसने करना, प्रशासन ने करना है। बिल्कुल, जो एयरटेल का जो इंजीनियर है उसने करना है। अगर उसमें कोई लोगों को कोई अगर बीमारियां नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई उसमें कुछ नहीं है, तो उसको जिम्मेवारी लेनी है अपनी है। लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई उन्होंने। ठीक है, दो महीने से अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई और इसलिए जनता में बिल्कुल आक्रोश है। मैं आज भी चाहता था कि वो आज आ जाता और अपनी वो लिखित रूप में मुझे जो उनसे मैं डॉक्यूमेंट मांगे थे
वो मेरे पास रखता यहाँ पे जनता के सामने रखता, हम वो जनता को समझाता तो शायद ये गतिरोध नहीं होता, मेरे पंचायत घर में लोग खड़े नहीं होते। ओके सर, थैंक यू। बांधे अगर ये शासन प्रशासन या कोई भी हमारी सुनाई नहीं करता है तो हम चक्का जाम कर देंगे और सभी महिला मंडल सड़क पे उतर आएंगे। इसका सारा जिम्मेदार उम्र शासन प्रशासन होगा, क्योंकि हमने हर कोशिश की है इस काम को रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। तो हमारा यही फैसला है कि सभी जनता का फैसला कि हम अब सड़क पे उतर आए और चक्का जाम कर देंगे। सर, यहाँ पे टंबर में एक टावर लग रहा है ना, जशनपुर के साथ में एक टंबर गांव पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पे आपको बुलाया गया था। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप पहुँचे नहीं सर, और जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है। मैं आज चंडीगढ़ में हूँ जी, मीटिंग में ना। अच्छा, तो जी, अभी फिर वापिस आऊंगा तब मैं आता हूँ वहाँ पर। तो सर आपको ऐसा है ना कि जब इन्होंने आपको पहले टाइम दिया था कि आप पहुंचिए तो आपको बताना कि मैं आपके पास आ चुका था, मेरे को अर्जेंट मीटिंग आ गई, मेरे को जाना पड़ा जी। एक्चुअली सर यहाँ पे ऐसा है ना जी, हाँ जी, जब तक आप जनता को नहीं बताते हैं इसका नुकसान है या नहीं है, तब तक ये जनता में इतना रोष चल रहा है। तो इतने मैं बता चुका हूँ जी, सारे डॉक्यूमेंट भी दे चुका हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, उसी के बेस पे सारी कार्रवाई हुई है जी। ठीक है जी, ऐसा रोष वाला तो अब मैं, अब वो किसी के अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ पर्सनल झगड़े हैं गांव के, वो हमारे थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना जी कि मैंने प्रधान साहब से बात की, उन्होंने बोला कि जो मैंने NOC दी थी उसको निरस्त कर दिया है, तो फिर भी आप प्रधान साहब के पास निरस्त करने का कोई वो नहीं है जी अधिकार, उनको NOC देने का अधिकार है, निरस्त करने का अधिकार नहीं है जी। एक दो दिन में आपसे मिलता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ बात। सर मेरी बात नहीं है, जी जो NOC दी थी ना वो दूसरी जगह की थी और काम कहीं और जगह चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसी जगह की NOC थी। NOC इसके लिए, जैसे मेरे प्रधान साहब से बात हुई, इन्होंने बोला कि जो NOC मैंने दी थी वो जगह कहीं और थी, और आपका जो वहाँ पे रेंज का सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा था, तो आपने इसको दूसरी जगह काम चलाया हुआ है। नहीं नहीं, अभी मैं आके बात कर लेता हूँ आप लोगों से ना, जो भी है मिल के बात करते हैं, ठीक है जी। सर ऐसा है ना कि जनता जवाब चाहती है, जब आपको जनता ने बुलाया था तो ये आप पहुँचे नहीं यहाँ पे, तो उसका जवाब। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं आके मिलता हूँ जी, फिर करते हैं बात जी। ठीक है जी, ठीक है जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है मनोज। मनोज, हाँ जी, ठीक है जी, ओके।